बवासीर का घरेलू और आयुर्वेदिक इलाज। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग बवासीर से पीड़ित हैं। बवासीर का मुख्य कारण अनियमित खानपान और कब्ज है। बवासीर में मल द्वार के आसपास की नसें सूज जाती हैं। यह दो तरह का होता है। पहला अंदरूनी बवासीर, इसमें सूजन को हुआ नहीं जा सकता लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। दूसरी है बाहरी बवासीर, इसमें सूजन को बाहर से महसूस किया जा सकता है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। अगर आपको भी मल त्यागते वक्त बहुत दर्द होता है, मल द्वार से खून आता है या खुजली होती है तो आपको बवासीर है। तो ये थे बवासीर के प्रकार। आइए कुछ घरेलू कारगर उपाय भी जानते हैं जिनसे आप बवासीर से मुक्ति पा सकते हैं। बवासीर का घरेलू या देसी उपचार। 1.5-2 कागजी नींबू अनीमा के साधन से गूदा में ले ले। 10-15 मिनट के अंतराल के बाद थोड़ी देर में इसे लेते रहे के बाद शौच जाएं। यह प्रयोग 4-5 दिन में एक बार करें। इसे 3 बार प्रयोग करने से बवासीर में लाभ होता है। जीरा, करीब 2 लीटर मठा लेकर उसमें 50 ग्राम पिसा हुआ जीरा और थोड़ा नमक मिला लें। जब भी प्यास लगे तब पानी की जगह यह छाछ पिए। 4 दिन तक यह प्रयोग करने से बवासीर के मस्से ठीक हो जाते हैं। या आधा चम्मच जीरा पाउडर को 1 ग्लास में पानी लेकर डालकर पिए। जामुन की गुठली और आम की गुठली के अंदर का भाग सुखाकर इसको मिलाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में हल्के गर्म पानी या छाछ के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। इसबगोल भूसी का प्रयोग करने से अनियमित और कड़े मल से राहत मिलती है। इससे कुछ हद तक पेट भी साफ रहता है और मस्सा ज़्यादा दर्द भी नहीं करता। बड़ी इलायची भी बवासीर को दूर करने का बहुत ही अच्छा उपचार है। इसे सेवन करने के लिए लगभग 50 ग्राम बड़ी इलायची को तवे पर रखकर भूनते हुए जला लीजिए। ठंडी होने के बाद इस इलायची को पीस लीजिए। रोज सुबह इस चूर्ण को पानी के साथ खाली पेट लेने से बवासीर ठीक हो जाता है। किशमिश, रात को 100 ग्राम किशमिश पानी में भिगो दें और इसे सुबह के समय उसी पानी से मस लें। इस पानी को रोजाना सेवन करने से कुछ ही दिनों में बवासीर रोग ठीक हो जाता है। बवासीर के कुछ अन्य उपाय भी हैं जिसमें रेशेदार चीजें नियमित रूप से खाना चाहिए। इन्हें अपने दैनिक भोजन का एक आवश्यक अंग बना लीजिए। हर दिन 8-10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। खाना समय से खाइए। रात में 100 ग्राम किशमिश पानी में फूलने के लिए छोड़ दें और फिर सुबह जिस पानी में किशमिश को फुलाया है उसी पानी में किशमिश को मसल कर खाएं। कुछ दिनों तक लगातार इसका उपयोग करना बवासीर में अत्यंत लाभ करता है। 50 ग्राम बड़ी इलायची लीजिए और इसे भून लीजिए। जब यह ठंडी हो जाए तो इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए और फिर हर दिन सुबह खाली पेट इसे कुछ दिनों तक नियमित रूप से पिए। यह आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। बवासीर के ऊपर अरंडी का तेल लगाने से राहत मिलती है। 1 चम्मच शहद में 1/4 चम्मच दालचीनी का चूर्ण मिलाकर खाने से फायदा पहुंचता है। अगर आपको बवासीर है
तो आपको खट्टे, मिर्ची वाले, मसालेदार और चटपटे खाने से कुछ दिनों के लिए परहेज करना पड़ेगा, जब तक कि आपका बवासीर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। 1.5 से 2 लीटर मठा लीजिए और इसमें 50 ग्राम जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, और जब जब आपको प्यास लगे तो पानी के जगह इस मठे को पिए। कुछ दिनों तक ऐसा करने से बवासीर का मस्सा कम हो जाता है। आम की गुठली के अंदर के भाग और जामुन की गुठली के अंदर के भाग को सुखा लें, फिर इन दोनों का एक चूर्ण बना लें, एक चम्मच, और फिर इस चूर्ण को 1 चम्मच हल्के गर्म पानी या मठे के साथ कुछ दिनों तक नियमित रूप से पिएं। यह आपको लाभ पहुंचाएगा। राजमा, बीन्स, दालें और मटर को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाइए। फलों के ताज़ा जूस और सब्जियों के सूप नियमित रूप से पिएं। हर दिन सुबह केले का सेवन करें। शराब ना पिए और चाय कॉफ़ी का भी सेवन ना करें। नींबू, सेब, संतरा और दही इत्यादि का सेवन करें। हर दिन व्यायाम करें। रात में खजूर को फुला लें और सुबह फूला हुआ खजूर खाएं। यह पेट को ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1/4 चम्मच दालचीनी चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिलाकर प्रतिदिन एक बार लेना चाहिए। इससे बवासीर नष्ट हो जाती है। हरड़ या बाल हरड़ का प्रतिदिन सेवन करने से आराम मिलता है। बवासीर पर अरंडी का तेल लगाने से फायदा होता है। साथ ही नीम का तेल मस्सों पर लगाइए और इस तेल की 4-5 बूंद रोज पीने से बवासीर में लाभ होता है। तो ये थे बवासीर के कुछ घरेलू आयुर्वेदिक इलाज। इन्हें अपनाकर आप बवासीर से निजात पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचेंगे सबसे पहले।